हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज है थर्सडे और यूएई से ये अपडेट है कि वेंसडे यानी बीते हुए कल को एक जो नया लहर आया है, नया वेरिएंट है कोविड का ओमिक्रॉन, उसका एक पहला केस यूएई में देखा गया है। तो जो यहाँ मुहाफ है उन्होंने डिक्लेयर किया है कि अफ्रीका के किसी कंट्री से वो ट्रैवल कर रही थी, एक अफ्रीकन लेडी, तो उसमें वो वेरिएंट देखा गया है और वो यूएई में है और अनस्पेसिफाइड सिम्टम्स उसके हैं। तो जो भी है, देखिए, यूएई में पहला केस ऐसा देखा गया है। अफ्रीका के कई कंट्रीज़ को यूएई ने बैन किया है, तो खुद यूएई में ही ऐसा पहला केस आया है। तो जो भी है, ये जो वेरिएंट है बोल रहे काफ़ी डेंजरस है, पहले जो कोविड का जो वेरिएंट था उससे भी ज़्यादा। तो आपको क्या करना है, अगर आपको ट्रैवल करना है बहुत अर्जेंट बेसिस पे है, तो अभी तक तो लॉकडाउन नहीं हुआ है या फ्लाइटें अभी तक बैन नहीं हुई है, बट हो सकता है। तो उसके चलते अगर आपको ट्रैवल करना है तो आप कुछ दिन में कर लीजिए, बट बहुत रिस्की ट्रैवल होगा। तो देखिए, अफ्रीका की कई कंट्रीज़ बैन की हुई है, काफ़ी लोगों ने सऊदी बोलिए या दुबई बोलिए, यूएई, तो बैन की हुई है। तो आपको क्या करना है, आपको बहुत रिस्क लेके आने वाले दिनों में ट्रैवल करना है। कब कहाँ क्या बैन लग जाए, क्या ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस आ जाए, कोई भी नहीं बोल सकता। और खुद यूएई में केस ऐसा आया है, पता नहीं अगर केसेस बढ़ते हैं या इससे रिलेटेड कुछ भी होता है तो मे बी फ्लाइटें बैन हो जाए या ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस आए या ऐसा हो। तो अभी अफ्रीकन कंट्रीज़ में ऐसा आया है, साउथ अफ्रीका की कई कंट्रीज़ में, तो हो सकता है आने वाले दिनों में एशिया की भी कई कंट्रीज़ को ये लोग ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन के अंडर ला दें। तो अभी कुछ भी ठीक नहीं है, फिर पहले जैसा सिचुएशन होने वाला है। इसलिए आज का यही अपडेट है गाइस कि ऐसा यूएई का पहला केस देखा गया है यहाँ पे। तो चलिए, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।